आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, मैं हूं आपके साथ अंजलि। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। आजमगढ़ जिले के मुबारकपुर सठिया रोड स्थित भटौरा फखरुद्दीनपुर के बीच इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप का शुभारंभ MLC जसवंत सिंह ने फीता काट कर किया। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को देखते हुए यह पेट्रोल पंप खोला गया ताकि लोगों की जरूरतों की भरपाई कर सके। बताते चले कि पेट्रोल पंप के ऑनर अजय प्रताप सिंह ने मीडिया से बातचीत करने के दौरान उन्होंने क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। साथ ही साथ इंडियन ऑयल आजमगढ़ जिले के सेल्स विक्रेता अधिकारी रितेश गुप्ता ने कहा कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड उम्दा क्वालिटी की पेट्रोल देंगे। संवाददाता सरफुद्दीन आजमी की रिपोर्ट। गुप्ता है, मैं इंडियन ऑयल का सेल्स ऑफिसर आदम करेजा का हूँ और आज हमने यहाँ पर एशियन पेट्रोलियम KSK का शुभारंभ किया है। जैसा आप सब लोग जानते हैं कि आसपास पूर्वांचल एक्सप्रेसवे डेवलप हो रहा है और नई सड़कें डेवलप हो रही हैं, तो ग्राहकों की जरूरतों को पूरा करने के लिए इस एरिया में कोई पेट्रोल पंप नहीं था, तो इसके मद्देनज़र हमने आज इसका उद्घाटन किया और मुझे पूरा विश्वास है कि एशियन पेट्रोलियम KSK ग्राहकों की उम्मीदों पर खरा उतरेगा और अच्छे से परफॉर्म करेगा। जैसे सर की बात लोगों में मतलब ये कहा जाता है कि कहीं ना कहीं पेट्रोल का थोड़ा सा ऐसा जो आपका डाउट है, इस प्रकार से कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आज के टाइम में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन में रिटेल ऑटोमेशन आ गया है। रिटेल ऑटोमेशन से ग्राहकों की जो विश्वास है और बढ़ गई है। ग्राहक को पूरा अधिकार है कि आगे पंप पर वो पर नज़र करे, छुट्टी ले और संतुष्ट हो जाए। किसी प्रकार का इस प्रकार का डाउट जो है ग्राहकों को नहीं। सर जैसा कि देखा जाए कि ये सठियाँ चौराहे से थोड़ा सा पीछे एक पेट्रोल पंप है, फिर मुबारकपुर में एक है, लेकिन यहाँ आप पूर्वांचल एक्सप्रेस के देखते हुए आप भटौरा स्थित जो पेट्रोल पंप खोले थे, इसके कितने दिन से आपको देखिए पूर्वांचल एक्सप्रेस से हमारे पंप के जस्ट पीछे ही उतरा हुआ है और इधर सठियाँ चौक से लेकर मुबारकपुर तक की दूरी कम से कम 5 किलोमीटर के अंदर में कोई पंप नहीं, इसलिए हमको लगता है कि यहाँ पे हमको बेनिफिट मिलेगा। तो सर ग्राहकों को आप क्या सेवा दे, 24 घंटा सेवा दे रहे हैं या मतलब? नहीं नहीं, 24 घंटा भी सेवा है, 24 घंटा अवेलेबल रहेगा। हाँ, यहाँ पे ऐसा नहीं कि मतलब कोई रात को 11-12 बजे के बाद आए तो बंद पेट्रोल रहे या आपके कर्मचारी जो है कहे कि पेट्रोल नहीं है? नहीं, ऐसी कोई सुविधा नहीं है, मतलब 24 घंटा हम उपलब्ध। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ न्यूज 9 भारत पर। अब चाहूंगी इजाजत, नमस्कार।